मगर आज नारी का गौरव लग रही आप बदल गई हो जब से पढ़ी लिखी हुई हो ना, पश्चिमी हवा में उड़ गई आराम इसके पर्दे में तुम जीवन खोती जाती हो। हलवा पूरी खाने पर तुम गोबर होती जाती हो। खोती जाती हो और हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती हो। इन आरामन को स्वर्ग समझ तुमने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। आज की लड़की की फैशन ने कुंती जैसी देवी को कुतिया बना दिया। लोगों, ये देश की तीन चीजें बदल जाती हैं वो देश खोखला हो जाता है। कौन कौन तीन चीजें? भोजन, भाषा और भेष। हमारे देश की तीनों चीजें बदल गई। भोजन बदल गया, हम दूध दही मक्खन खाते थे, अब सुबह सुबह चाय चाटने लगे, बिस्कुट खाने लगे। भोजन बदल गया, अंडा मांस खाने लगे, मछलियां खाने लगे। भाषा बदल गई। अभी जिला लखीमपुर खीरी में हमारी कथा चल रही, गद्दी से नीचे उतरे एक मास्टर साहब आके बातचीत करने लगे। थोड़ी देर बाद वो चले गए तो उनकी लड़की आई 20-22 साल की, चुस्त पैंट चुस्त शर्ट, और आके हमसे बोली, स्वामी जी। हमने कहा, बेटा हमारे डैड यहाँ बैठे थे, चले गए डैड। हम तुम पहले पिताजी कहते थे, अब ये कहते हैं डैड। डैड बॉडी मरो बहु। आप अंदाजा लगाइए, डैडी कहते। हमने कहा, हमको बेटा एक बात कहें। कहने लगी, कहो स्वामी। मैंने कहा, तू डैडी क्यों कहती है? तू पहले डैड बोली, अब डैडी बोली। डैड कहते मरा हुआ, डैड बॉडी मरा हुआ, और डैडी जो कह रही है तू, पिताजी कह लिया कर। नीचे गर्दन करके बोली, कहूं पिताजी जो कठिनाई आती है, टकराते ओठ लिपस्टिक छूट जाती है। पिताजी कहती हूँ तो ओठ आपस में टकराते, लिपस्टिक हट जाती है, और डैडी कहने से ओठ नहीं टकराते। भाषा बदल गई, वेश बदल गई। इतना चुस्त पेंट पहन करके चलती है बेटियां। लोगों, जिनको देखने में भी ऐसा लगता है कि हम अपनी आंखें बंद कर लें,
जब पहले हमारी माताएं, हमारी बहनाएं इतने लूज वस्त्र धारण करती थी, लेकिन आज पश्चिमी हवा ने जौहर कर दिया। रानी सुनीत को आठ महीने हो गए, पति से बात करना तो बहुत दूर है, पति की छाया तक नहीं देखी, और मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती है। इसी तरह जो औरत अपने पति को सच्चा प्यार करती है, वो पिया के बिना जिंदा नहीं रह सकती। रानी सोचने लगी, जब प्राणनाथ देखने को नहीं मिल रहे तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों हैं? जब प्राणनाथ देखने को नहीं मिल रहे तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों हैं? चलो कहीं कुआ में गिर के मर जाए। अटा पैसे उतर आई, अगहन का महीना है, वो जब कुआ में गिरने को चली, याद कंठ तेरी आई रही है मैं तो जाई रही हूँ, वो याद कंठ तेरी आई रही आठ महीना से प्रिया सूरत नहीं देखी, जई दुख में प्राण कमाई रही है मैं तो जाई रही हूँ, ओए याद कंठ तेरी आई रही है मैं तो जाई रही हूँ, ओए याद कंठ तेरी आई रही है मैं तो जाई रही हूँ, ओए याद पिया तेरी आई रही है एक कुआ है, कुआ में गिरने के लिए जो आगे बढ़ी है, तब तक देव ऋषि नारद आ गए, और देव ऋषि नारद ने रात के 12 बजे एक औरत को कुआ की तरफ लपकते हुए देखा। अर्धरात्रि के समय, हे बेटी, तुम देखने में राजा राजा जैसी दुलारी लगती हो, और तुम इतने समय पर इस जंगल में अकेली क्या करने आई हो? आप कौन हैं? हम तो महात्मा हैं। महात्मा? हाँ, महात्माओं के लिए तो अवधूत गीता में लिखा है जी कि मनसा वाचा कर्मणा त्यजतम लोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानंदम हृदयम यद। महात्माओं को मन वाणी कर्म से नारी से दूर रहना चाहिए। हाँ, और काठ की औरत अगर कहीं बनी खड़ी है तो महात्मा को दो खेत बच के निकलना चाहिए, क्योंकि कामदेव बड़ा प्रबल है, जाने किस पर्दे से मुस्करा दे, जान किस पर तबीयत को मचला दे, जान से जान किस से आंखियां लड़वा दे। और कबीर ने तो यहां तक लिखा है, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होए, संत वहां पे रुक जो तो सबको जय खोए। कबीर दादू पलटू गोरख मच्छंदर जे पहुंचे हुए संत हुए। कबीर ने लिखा है, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होए, संत वहां पे रुक गए तो सबको जय हो। फिर तुम कैसे महात्मा हो? रात के 12 बजे एक पराई औरत से बात कर रहे हो। हे बेटी, रात्रि के समय साधु लोग अपने उठ के गुरु के नाम का जाप करते हैं,
और आपको मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये कोई अनिष्ट न कर ले, इसलिए मैं साधु का धर्म बनता है रक्षा करें, कर्तव्य बनता है। कर्तव्य आसाराम को बनो, कर्तव्य रामपाल को बनो, कर्तव्य राम रहीम को बनो। महात्मा जी एक तरफ तो कहते हो कि गुरु का जाप करते हैं और एक तरफ तुम्हारे जैसे महात्मा पाप करते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, जाकर के भजन करो। हाँ भजन तो करेंगे, लेकिन बेटी हाथ में पांच उंगली एक जैसी नहीं होती, ऐसे संतों में भी अलग अलग किस्म के शिष्यगण होते हैं। हाँ तो तुम शिष्यों के गुरु हो, ये बताओ। अरे हम शिष्य हैं गुरु जी के, गुरु जी के शिष्य हैं, नाम का जाप करते हैं तो शिष्य हैं उनके। हाँ किसके नाम का जाप करते हो? अरे गुरु जी जो नाम दान देते कान में देते हैं वो किसी को बताया नहीं जाता है। हाँ बेटी वो तो यहाँ तक बताया गया है गुरु शिष्य के बारे में, तो नीचे अग्नि जला दी जाए, शिष्य को गुड़ बांध के ऊपर टांग दिया जाए और नीचे अग्नि जल रही हो, धुआं जल रहा हो, पूछा जाए बताओ तेरे गुरु का नाम क्या है, तब भी नहीं वो बताया जाता है बेटी। हाँ तो हमें जल लग रही है। क्या लग रही है? पागल खाने में से तो नहीं आए? अब पागल खाने में तो क्यों आए हो? एक तो तुम आधी रात के समय खुद जंगल में जाने क्यों आई हो? मैं अच्छा बोला भजन करने के लिए जा रहा था, हमारा भक्त और बर्बाद कर दिया, तुम देखने में राजा जैसी कुमारी लगती हो और फिर भी संत से बहस करना चाहती हो, हम ये चाहते तो मैं क्यों आई रात में ना, मुझे ये बताओ। और मैं ये तुम्हें पूछने लगूं, हाँ कि तुम क्यों घूम रहे हो रात में, भजन करो जाके। अरे भजन तो करें लेकिन किंतु परंतु इसका उत्तर कोई दे नहीं पाता। अगर तुम सच्चे महात्मा हो तो अपनी योग शक्ति से समझो, एक जिंदगी अपने मौत के हवाले क्यों करना चाहते हैं? कुछ कुछ समझ में आ रही है, एक बात का जवाब दोगी बेटी? हाँ जरूर मिलेगा, पूछो। का बरसा थोड़ी भाई का कऊ गौ किसान, पिटो के जगह जब बता फिर तो हिसाब से करना है इसको। कहां बताया? अच्छा तार तार से छुए रहे, ठीक है लला। ना बरसा थोड़ी भाई ना कऊ गयो किसान, पति का प्यार भी भरपूर मिला। मेरे पिया हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए, ना बरसा थोड़ी भाई पड़िया है पैदा भयो कोई न लाल, संत जी कोख में पत्थर पड़ गए हैं पैदा भयो कोई न लाल।
प्यार भी भरपूर मिला। मेरे पिया हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए। मेरी कोख में पत्थर पड़ गए जो एक पुत्र को जन्म न दे सकी, और पति भी सौतन ने छीन लिए बिना मल्ला की नाव। कब तक थपेड़े झेलेगी तूफानों के, आखिर उसे डूबना है संत जी। तो इसलिए मरने के लिए आई हो बेटी। जाओ बेटी अपने घर को, एक समय सुहाना आएगा। ये संत कसम से कहते ही तेरे गोदी में ऐसा पुत्र आएगा जब तक धरती आसमान मौजूद रहेगा तब तक तुम्हारे बेटे का लोग श्रद्धा से नाम लेंगे। महात्मा जी। हाँ जी।